सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SCI में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 बहुत करीब है और AMU BTech का भी पेपर आने ही वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता, स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, AMU BTech के लिए क्या होता है। अभी तक क्या होता था, या तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता था या फिर सर बता देते थे। मैंने सोचा दोनों आज साथ में थे तो दोनों मिल के कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकते हैं जिससे आपका AMU BTech का 2024 का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक राइट स्ट्रेटेजी क्या होती है या फिर बच्चे को किस पाथ पर चलना चाहिए ताकि क्या हो कि सिलेक्शन के चांसेस 100% श्योर हो। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चांसेस होने चाहिए बच्चे के श्योर होने के? सबसे पहले श्योर होने के चांसेस तो ये हैं कि आप सही टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर आप सही टाइम पे किसी भी एंट्रेंस की आप सही टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत ही इजीली क्रैक हो जाता है। चाहे अगर हम बात करें AMU BTech की, चाहे JEE Mains की, चाहे NEET की, सही टाइम होना चाहिए और अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हम कितने टाइम में उसको कर सकते हैं। जैसे काफी बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्रैश कोर्स तो चलेगा भी, जैसे हम लोग हमेशा क्रैश कोर्स चलाते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में क्या होता है, आपका पूरा सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन वो उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है जो पहले पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, या फिर जो कोई बोर्ड के जिसने अच्छी तैयारी कर रखी हो, हर चैप्टर को उसने क्या हो फॉर्मूला वाइज सारी चीजें पढ़ रखी हो। अब कोई आए ये कह दे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा 11th 12th में, अब क्रैश कोर्स से मेरा सिलेक्शन करा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है और 2 महीने में हो भी नहीं पाता है। आपके लिए काफी अच्छा टाइम ये है कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दे तो आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अगर आप एक एक चैप्टर को लगभग 15-20 दिन में भी काफी अच्छे से PYQs के साथ करते हैं, जैसा कि हम लोग कराते हैं, हर एक चैप्टर अपनी क्लास में कराएंगे, फिर उसके PYQs कराएंगे, DPP मटेरियल सारे टेस्ट आपके लेंगे, एक अच्छा पार्ट आपको चूज करके देते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहती है? अच्छा सर, AMU BTech के लिए अगर किसी को अच्छे सिलेक्शन, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो भी जाता है वो ब्रांच वाइज हम कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है, दो कैटेगरी में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए अलग बात करेंगे और इंटरनल स्टूडेंट के लिए अलग बात करेंगे। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट का और उसको चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, तो उसको मैं ये कहूंगा कि कम से कम 80+ लाने की कोशिश करें, कम से कम सेफ स्कोर एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 80+। अगर वो 80+ ले आता है तो उसके पूरे चांस है, मोर देन 95% चांस है कि उसको कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं पे 90+ लेकर के आ रहा तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो आपको क्या करना है कि 80+ पे तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर स्कोर करना है ताकि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटरनल स्टूडेंट के लिए, तो इंटरनल स्टूडेंट के लिए मैं सेफ साइड, बिल्कुल सेफ साइड में अगर जाकर के बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग 75+ की तैयारी करें। अगर इंटरनल स्टूडेंट है तो 75+ अगर लेकर के आता है तो उसको बहुत ही इजीली कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और AI की, तो AI का जो कट ऑफ गया इस बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जस्ट नीचे गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर गया। और AI के बारे में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए कि अगर उसके मार्क्स 75+ है तो उसको AI इजीली मिल सकता है, लेकिन अगर 80+ है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी लोग को सर ये भी डाउट होता है कि AI AMU में नई इंट्रोड्यूस हुई है तो AI लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको क्या कहना है? अगर अभी का जो टाइम देखा जाए उसके हिसाब से AI, आपने देखा होगा कि जितने भी IITs हैं, NITs हैं, उसमें भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो आने वाला जो दौर है वो AI का है। आप खुद सोच लीजिए कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, उसके बाद वही सेम टॉपिक आपको यूट्यूब पे या फिर और कहीं इंस्टाग्राम हो गया, सेम टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो ये सब पूरा एल्गोरिदम सेट होता है, ये सब AI का वर्क है। तो AI आने वाले टाइम पे बहुत ही होने वाला है, जो डिमांड में होने वाला है, इस वजह से सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ये ब्रांच लाई गई है। यानी ले लेना चाहिए लोगों को AI में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट है AI के बारे में कि अभी एग्रीडिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक खुद एग्रीडिटेशन प्रोवाइड कर देती है तो आप लोग ले सकते हैं AI, ऐसा कोई भी नहीं है। तो AI की बात हो गई कट ऑफ की। उसके बाद अगर हम बात करें AI के इंटरनल स्टूडेंट की, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ 70+। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए हम ये कह सकते हैं 70+, और जो इंटरनल स्टूडेंट है उसको 65+। अच्छा, ये कट ऑफ वेरी भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, जाहिर सी बात है स्टूडेंट बैठे थे, कितने स्टूडेंट बैठे थे। और अभी देखा होगा आप लोगों ने कि जो कोविड के टाइम पे थोड़ा सा स्टूडेंट में फॉल हुआ था, लेकिन अब जो है वो एक तरीके से 10 से 12 हजार के बीच में स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं। तो लेवल स्टूडेंट्स का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आ रहे हैं जितना होने चाहिए। अब उम्मीद है कि 2024 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि AMU BTech में
जिस तरीके से प्लेसमेंट का रेशियो बढ़ा है और जो प्लेसमेंट एक थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था उसको इन्होंने जो इम्प्रूव किया है उसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कटऑफ की मैंने बता दिया आपको कि एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैंने बात किया तो 70+ और इंटरनल स्टूडेंट के लिए 65+। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है अगर उसके 65+ है और इंटरनल स्टूडेंट 60+ है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पांच नंबर मार के चल सकते हैं। और अगर हम ब्रांच लोअर इसके बाद और अगर हम बात करें जो लोअर ब्रांचेज है लाइक केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के अराउंड 50 है तो उसको केमिकल या पेट्रोकेमिकल मिल जाएगा। इवन 45+ 40 पे भी मिलने के चांसेज है, ऐसा नहीं है कि 40-45+ पे मिलने के चांस नहीं है लेकिन 50+ है तो उसको केमिकल या पेट्रोकेमिकल मिलने के पूरे चांसेस है एक्सटर्नल स्टूडेंट से। फूड टेक्नोलॉजी पे आपका क्या? फूड टेक्नोलॉजी के बारे में तो हाँ बहुत काफी लोग फूड टेक्नोलॉजी लेके प्लेसमेंट का सोचते हैं तो आप उसको क्लियर कर दिए लोगों मन में डाउट। मैं तो अभी फूड टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी जब तक 4 साल नहीं पूरा हो जाता है क्योंकि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है जो फूड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 2024 में पहला बैच कंप्लीट होगा। जैसे ही पहला बैच कंप्लीट हो जाता है उसमें जो लोगों का प्लेसमेंट होगा और कितना प्लेसमेंट होता है क्या पैकेज रहता है उसके बाद हम लोग एक रिव्यू बता सकते हैं कि ये ब्रांच कैसा है। अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फूड टेक्नोलॉजी नई ब्रांच है, बिल्कुल नई ब्रांच है। आपको पता है कि BHU में भी फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज है, SBTU जो कानपुर का है, पहले SBTI था, SBTU उसमें भी फूड टेक्नोलॉजी है। तो लेकिन एक है कि फूड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तो प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला, इस वजह से स्टूडेंट थोड़ा डाउट में है, होना भी चाहिए इस फील्ड का। हाँ, अगर किसी को ये है कि किसी को क्या करना है कि हाँ मुझे सिर्फ AMU BTEC या फिर JCET का टैग लेना है कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो फूड टेक्नोलॉजी लेके क्या करते हैं, काफी लोग यही देखा मैंने, ड्रॉपर भी क्या करते हैं फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच ले लेते हैं फिर 1 साल लगड़ के मेहनत करते हैं और फिर अपनी ब्रांच या तो BTEC का एंट्रेंस का पेपर दे के निकाल लेते हैं या फिर 9.6 CGPA लाके वो अपनी लेकिन क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन कैंसिल करवा लिया, अब बचे 15 लोग, तो फिर क्या होगा कि फूड टेक्नोलॉजी के अगर किसी भी स्टूडेंट का 10 CPI भी आ जाता है तब भी उसका ग्रेडेशन रुक जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब रिस्क है, इसीलिए फूड टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर क्या हुआ कि किसी का ग्रेडेशन नहीं हुआ। यही रहता है, लोग ज्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि MBA BTEC का दोबारा से पेपर देते हैं, ब्रांच वो ले लेते हैं ताकि उनके पास एक टैग बना रहे इतने बड़े कॉलेज का। यही तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात है। हाँ। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, प्रिपरेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेपर के बारे में बता देते हैं कि पेपर का कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में और पेपर का लेवल क्या रहता है। जी, पेपर में तो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क पर क्वेश्चन रहता है, और नेगेटिव पॉइंट 2.25 आपका रहता है, और आप जितने ज्यादा सही करेंगे आपके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे पेपर में सही करने की। बात कर लेते हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ स्ट्रेटजी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं अपने पेपर की बात करूंगा, बाकी मैथ के तो आपके पास नहीं। फिजिक्स की अगर बात कर लेते हैं, काफी लोग कहते हैं पेपर टफ आता है, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है पेपर टफ आता है, पेपर मॉडरेट लेवल का आता है। जो फिजिक्स का 2023 का पेपर आया हुआ था काफी लोगों ने कह दिया टफ आया, टफ नहीं आया। आप अगर 2017-2016 का पेपर देखेंगे तो आपको उसी लेवल का पेपर मिलेगा। ये कोरोना के टाइम से इन्होंने थोड़ा अपना लेवल गिरा दिया था, नहीं तो फिजिक्स का लेवल आपको ऐसे ही मिलने वाला है। बीटेक अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपकी मैथ और फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको पूरे बीटेक में आपको वही देखने को मिलना है। और फिजिक्स में ज्यादा कुछ था नहीं, आपको क्या है कंसेप्ट पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने उसको डिफरेंट टाइप से करी होनी चाहिए जैसा कि हम सब अपनी क्लास में कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक के ऊपर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1+dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन में d2y/dx2, वो नहीं है, आपने वो पढ़ लिया। क्या आपको अप्लाई करना आता है? अगर आपको अप्लाई नहीं करना आता तो फिर आप तो यही बोलोगे फिजिक्स टफ है, या फिर आपको पता नहीं है कि रेडियल एक्सलेशन की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल एक्सलेशन की डायरेक्शन क्या है, या फिर दोनों कैसे काम करते हैं। तो आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके ऊपर लेवल लगाने हैं, क्वेश्चन आपको सबसे पहले NCERT देखनी है, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करना है, फिर क्या है AMU BTEC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, और आप क्या करिए अगर आप चाहें तो JEE Mains के भी लगा सकते हैं, वो सफिशियंट होगा आपके लिए फिजिक्स को क्रैक करने का तरीका। बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ के बारे में आप फिर क्या बताना चाहिए?
मैथ के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एएमयू बीटेक में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो तीनों सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि उनको क्या होता है कि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, तीसरे सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट नहीं बना पाते। सारे स्टूडेंट के साथ में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स और मैथ किसी को हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैथ्स और केमिस्ट्री हो गया, एक ना एक सब्जेक्ट उनसे छूट जाता है। और होता क्या है कि अगर हम बात करें तीनों सब्जेक्ट के बारे में तो सारे सब्जेक्ट से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट से इक्वली प्रिपरेशन करते हैं और दो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है और तीसरा सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा हुआ है और फोकस किया हो तो वहां से भी आप 10 से 15 20 नंबर बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले गाइडेंस ये है और आपको ये मैं बता भी रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि तीनों पेपर पे फोकस करना है, अच्छी तरीके से तीनों पेपर पे होगा। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आपको दो सब्जेक्ट लेकर के चलना है, क्योंकि होता क्या कि आपको ये पता नहीं है कि वो पेपर कहाँ से कब बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो सब्जेक्ट पढ़ करके गए, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ करके गए, और आप फिजिक्स पढ़ करके नहीं गए, और मैथ्स में क्या हो कि मैथ्स का पेपर उन्होंने टफ बना, सोचिए फिजिक्स आपके उस साल सरल आ गई, कम फॉर्मूला बेस्ड आ गई, तो आप ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि तीनों सब्जेक्ट पे आप लोग इक्वली फोकस करें, और हम लोग भी यही करके आए हुए हैं, हम लोग भी तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करके आए हुए हैं। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करेंगे तो आपका जेईई मेंस भी इजीली क्रैक हो जाएगा और एएमयू बीटेक भी इजीली क्रैक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें क्या करना है, आपको केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जो टाइम सेविंग है। आपको अगर केमिस्ट्री आती है तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स में क्या है कि थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अगर आप एमयू बीटेक देना चाहते हैं या फिर जेएमएस भी देना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी साइड में नहीं रखना है, उसको ले करके चलना है। और कोशिश ये करना है कि अगर आपको केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप फर्स्ट पीरियोडिक केमिस्ट्री को बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बना सकते हैं। जो एएमयू बीटेक की केमिस्ट्री आती है वो तो आपकी लगभग, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपकी एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री एएमयू बीटेक के ऊपर आती है, अगर आप पेचर पेपर को देखेंगे, क्योंकि आप 20 से 25 मिनट के अंदर केमिस्ट्री का पेपर कर सकते हैं अगर आपने खाली अपनी बोर्ड लेवल की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी। एक होता है पढ़ना ऊपर ऊपर से देखना और एक होता है अच्छे से पढ़ना, अगर विद प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप खाली एनसीईआरटी कर लीजिए, एक एक लाइन पढ़िए उसके और आपकी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रही बात मैथ की, तो मैथ की सर बता ही रहे हैं आपको मल्टीपल डिवीजन जरूर करते हैं। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जितना सिलेबस है 11th का और 12th का पूरा आपका सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक भी पॉइंट एक भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं, लाइक अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की या फिर 3D की बात करें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से बात करें, कैलकुलस से बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। अच्छा एक और बात, एएमयू क्या करता है कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जहां से ये क्वेश्चन ना होता, क्योंकि इनके पास 150 क्वेश्चन देना है, तो 150 क्वेश्चन के लिए क्या है कि मैथ्स से फॉर केवल 50 क्वेश्चन देना है, तो इनको हर चैप्टर टच करने का मौका मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि छोड़ करके पढ़ना है कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप अगर छोड़ करके पढ़ रहे हैं, कुछ आप पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे, अब आप जो पढ़ रहे हैं अगर वहां से उन्होंने और जो आप नहीं पढ़ करके गए वहां से इजी आ गए तब क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ज्यादा पूरे सब्जेक्ट पे पूरे सिलेबस पे ग्रिप बनाना है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन करना है, टाइम भी तो ज्यादा है। अभी क्या है आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इतना टाइम है आपके पास, आप आराम से अगर आराम से डेली 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करोगे इंक्लूडिंग आपकी कोचिंग, तो आप आराम से एएमयू बीटेक में अंडर 10 रैंक ला सकते हो। मैं अंडर 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर 10 की बात करूँ, सिलेक्शन तो सबका हो जाता है, 40-45 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, अंडर 10 रैंक की बात कर रहे हैं कि आप टॉप 1 पर 1 रैंक ला सकते हो, सेकेंड रैंक सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो, अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ोगे, ज्यादा नहीं, सुबह उठो अपना काम वाम करो और 2 घंटा सुबह निकाल लो, 2 दोपहर में 2 रात को निकाल लो बस, और बाकी जो टाइम बचे आप अपना चिल करिए जाके, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इतना कुछ बड़ा पेपर का लोड नहीं है आप जितना ले रहे हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का जो स्ट्रेटेजी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका बैच चल रहा है अगस्त से, तो एएमयू बीटेक का ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें ईयर लॉन्ग तैयारी करा रहे हैं, काफी अच्छे से बच्चे काफी सेटिस्फाई हैं तीनों चैप्टर को लेकर।
और बात कर लेते हैं कि अब जैसे काफी लोग मैसेज कर रहे हैं या फिर क्वेरी कर रहे हैं कि वो बैच में आपके काफी ज्यादा चैप्टर छूट गए हैं, अब हम कवर कैसे करेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, आपके लिए ही स्ट्रेटजी हम लोग ने, जैसा हम लोग की कोचिंग का नाम है स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो दोबारा स्ट्रेटजी बना के एक और आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया जो कि आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, एएमयू बीटेक बैच 2, जो उसमें आपको फिर से दोबारा से पूरा सिलेबस कराया जाएगा और आपके पेपर खत्म होने से पहले ही पूरा सिलेबस हो जाएगा, साथ में रिवीजन, टेस्ट सीरीज आपका सब कुछ करा दिया जाएगा। वो बैच 2 में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कुछ चीजें छोड़ दें या कुछ पढ़ा दें, नहीं, आपका एक सिस्टमेटिक वे से पूरा एक सारे सिलेबस विद क्वेश्चन विद पीवाईक्यू जीडीपी सब कुछ कराया जाएगा। तो जिसको भी एडमिशन लेना है एएमयू बीटेक बैच 2 में और आपकी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है और रैंक लेके आनी, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, रैंक लेके आनी, अंडर 100 रैंक, अंडर 50 रैंक या सिंगल डिजिट रैंक, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है 9634775736 पर, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाके वहां पर क्वेरी कर सकते हैं। आप आ जाइए एक बार तैयारी करके देखिए, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगा तो मुझसे कहिए। आप अगर 6 महीने अपना ये सोच के तैयारी कर लेते हैं कि 6 महीने मैंने संन्यास ले लिया है, थोड़ा जिधर घूमने जाते हो जिधर घूमना फिरना बंद कर दो, थोड़ा चाय पीने जाते हो चाय पे मस्तियां बंद कर दो, तो आपका सिलेक्शन होते रहेगा, ये मैं गारंटी देके रखता हूँ। हम लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत थोड़ी आप कर लेना, दोनों मिल बांट के अपना सिलेक्शन का रेशियो बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इस बैच में हम लोग करने के हवाले हैं जो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस बैच के बारे में पूरी डिटेल लेनी है। तो इस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा सिलेबस हम लोग एक बार तो पूरा कंप्लीट करवाएंगे, साथ में हम रिवीजन भी करवाएंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद एक बार रिवीजन कराया जाएगा, और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, और इसके बाद आपको कोई भी स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उसके लिए है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको करना है आकर के चुपचाप ज्वाइन करना है, सोचना कुछ नहीं है, पूरा पेपर आके हम लोग के नोट से आता है, ऐसा कहने में तो बड़ा लगेगा लेकिन आप नोट्स में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं क्लास में, वही पेपर में उठ के आते हैं, वैल्यू बदल जाएगी, कंसेप्ट सेम रहेंगे, तो आपका सब सारे सब कंसेप्ट सेम लगने हैं, तो पूरा पेपर आता है, आपको कुछ नहीं करना है, नोट का रिविजन करना है, हम लोग जो बोलते जाए बस आपको वो करते जाना है आंख बंद करके, और आपका अगर सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, हम लोग इस फील्ड में कोई नए नहीं है, हम लोग 7 साल से इस फील्ड में हैं, जो एएमयू बीटेक स्पेशली बैच जो चला रहे हैं, एएमयू बीटेक का बैच जो चला रहे हैं, तो पूरी तरीके से हम लोग स्टूडेंट को ये समझा देते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और किस तरीके से आपका होने वाला है। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि एएमयू बीटेक की हम तैयारी करवा रहे हैं तो क्या वो जेमेंस का एग्जाम देगा तो क्या नहीं निकल पाएगा, जेमेंस में भी जाकर के वो बैठ सकता है, बहुत ही स्मूथली जेमेंस भी निकल जाएगा, एएमयू बीटेक के साथ साथ में हम लोग जेमेंस भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एएमयू बीटेक की तैयारी करवा रहे हैं, बट हाँ पूरा हम लोग ये जो लेकर के चलेंगे, हम पूरा पेपर पैटर्न और जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं वो हम एएमयू बीटेक का करवाते हैं, जेमेंस का अगर टेस्ट सीरीज है तो वो हम अलग करवाते हैं, वो जो स्टूडेंट जेमेंस का देना चाहता है उसका हम अलग करवाते हैं, ऐसा नहीं है सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एएमयू बीटेक का टेस्ट सीरीज ना करवा करके जेमेंस की करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग क्या है कि जेमेंस का सेपरेट है और एएमयू बीटेक का सेपरेट है, ताकि एएमयू बीटेक की हम प्रैक्टिस करा सके, क्योंकि एएमयू बीटेक में क्या है 150 क्वेश्चन आते हैं, जेमेंस में क्या है 90 क्वेश्चन है, यहां पे 60 क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पे लैग कर जाए, तो इसलिए हम एएमयू बीटेक की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, थैंक यू।